रखने के लिए कुछ रखते हैं ना, पोडियम नहीं है ना, ये गाड़ी आ जा रही है और आगे आ रहा है, क्या है चलो ठीक है। आप थोड़ा सा इस तरफ, आप भी एक मिनट बहुत कवरिंग नहीं कम्प्लीटली, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, रोलिंग। देखिए हमारे घर में अगर हम ध्यान से देखें कि सेलिब्रेशंस बहुत होती हैं, छोटी छोटी खुशियां होती हैं घरों के अंदर, हमेशा ऐसे कई मौके साल भर में आते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, बच्चे के पास होने खुशी हो, जॉब नहीं लगी है, ओकेजन बहुत सारे आते हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि मीठा एक ऐसी चीज़ है जो सिनोनिमस है सेलिब्रेशन से, खुशी से, त्यौहारों से। तो हमने ये ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम भी मीठा ही रखा है, ताकि जब भी कोई खुशी हो, कोई भी मौका हो ऐसा सेलिब्रेशन का, तो मीठा तो बनता है, इसलिए ये मीठा नाम भी रखा गया है। और आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए हम ये एक्सक्लूसिव मीठा लेके आए हैं, जिसका पहला स्टोर हमने लॉन्च किया है रेडिसन गोरेगांव में आज। एक्चुअली मेरा स्ट्रिक्ट डाइट अभी अभी ख़त्म हुआ एंड सीधा मैंने आई केम हियर एंड आई गॉट टू ईट ऑल दिस लवली स्वीट्स, सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने डाइट इतना अच्छे तरीके से ब्रेक किया। लेकिन हाँ, आपको सब चीज़ बैलेंस में रखना है, जो चीज़ आपको पसंद है, मन पसंद है, आपको खाना है, आपको ज़बरदस्ती जो यू नो यू शुड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, लेकिन उसका मेहनत भी करना है, बैलेंस में रखना है। देखिए जहाँ तक कि पास होने की खुशी होती है, मेरे घर में तो कभी होता नहीं था, मैं बड़ी मुश्किल से पास होता था, लेकिन खुशियाँ और बड़ी होती थी। तो मेरा फेवरेट होता था ये माज़ेपैन बनता था घर पे, तो यहाँ पे जो इन्होंने एक मिठाई बनाई है चॉकलेट और उसके अंदर काजू के साथ ऑरेंज फ्लेवरिंग डाल के इन्होंने एक बर्फ़ी बनाई है, मैं उसका बड़ा फ़ैन हूँ। बिल्कुल, सो वो ऑरेंज चोको बाइट है, वो बहुत ही लाजवाब फ्यूजन है, जहाँ पे हमने 100% चॉकलेट का इस्तेमाल किया है और नागपुर से हम जो ऑरेंज लाए हैं उसका ऑरेंज का पल्प और उसका जो स्किन है उसको राइंड बोलते हैं हम लोग, वो भी ग्रेट करके उसमें डाला था कि हर बाइट में आपको चॉकलेट और ऑरेंज दोनों का स्वाद बराबर आएगा। यम। सो एनी स्पेशल स्वीट व्हिच यू वांट टू मेंशन टू द ऑडियंस दैट दे शुड ट्राई? सो ऑफ कोर्स वन वाज दिस, बट वी हैव गॉट 60 वैरायटी नाउ इन द स्टोर एट दिस मोमेंट, जो कि बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपके ओकेजन आते जाएंगे, हम आपके लिए कंसेप्चुलाइज करते रहेंगे। और हमारी यहाँ पे क्लासिकल मिठाइयाँ हैं, हमारी यहाँ पर आर्टिसनल मिठाइयाँ जो एक एक पीस हाथों से बनाया गया और सोने की वर्क से उसको सजाया गया है, तो ये आर्टिसनल मिठाइयाँ और कुछ फ्यूजन मिठाइयाँ जैसे हमने अभी बताया कीत को पसंद आई, तो इस तरह से मिला के 60 मिठाइयों का अभी हमने स्टार्ट किया है, जिसमें से अगर मैं टॉप 5 का भी नाम लेना चाहूँ तो ऑफकोर्स वन इज़ ऑरेंज चोको बाइट, देन देर इज़ वन खीर कदम जो कि एक सिल्वर बॉल की तरह है, पिस्ता लॉन्ज है जो कि पिशोरी पिस्ता से बनी है, प्योर पिशोरी पिस्ता, सो पिशोरी पिस्ता से जो लॉन्ज बनी है वो आप जब बाइट में रखते हैं इट मेल्ट्स। और वो ये तमाम जो मिठाइयाँ हैं ये हमारी सिग्नेचर मिठाइयाँ हैं, और स्टोर में जो आपको पसंद हो दे आर ऑल देयर फॉर यू। और दूसरी ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपार्ट फ्रॉम जो ऑलरेडी है वो सेलिब्रेशंस लाइक दिवाली एंड क्रिसमस एंड ऑल दिस, आपका जो भी सेलिब्रेशन है घर में, जैसे कि किसी को 12th का पास हुआ या आपको यू नो न्यू नया बेबी आ गया, उसके हिसाब से आपका गिफ्टिंग का बॉक्सेस मिल जाएगा, और अगर कुछ नया चीज़ भी है यू गाइस विल कस्टमाइज इट एज वेल, राइट? जो भी ओकेजन होगा कस्टमाइज करेंगे, ऑनलाइन भी मिलेगा, हर डिलीवर भी करते हैं, यानी आपको सिर्फ बताना है कि मुझे ये चाहिए, ऑनलाइन जाके फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, मिठाई सेलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी बताइए, मिठाई आपके घर तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच। कोई प्रोजेक्ट अपना बताना चाहेंगे आपका? कुछ नहीं, अभी हम लोग बहुत बिजी हो कपिल शर्मा के साथ, और बहुत अच्छा लग रही टू यू नो ब्रिंग सम लाफ्टर एंड फन इनटू द वर्ल्ड, तो सिर्फ वहाँ बिजी हूँ है
नया प्रोजेक्ट्स, लेकिन जब तक वो रिलीज नहीं होता है हम लोग बात नहीं कर सकते उसके बारे में. बट इट्स नाइस टू बी बैक टू नॉर्मल लाइफ. थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी बात करने का नॉर्मल चीज़. मेरा मास्क भी कहीं मेरा किसी के पास है, लेकिन भी अच्छा लग रहा है, यू नो, जस्ट टू बी आउट एंड अबाउट. सो या दैट्स इट. ऑनेस्टली इस बार मैं बिग बॉस ओटीटी इतना नहीं देखा. मैंने शुरुआत में थोड़ा सा देखा क्योंकि मुझे लगा कि शमिता बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, एंड आई थिंक वो अभी तक लड़ रही है, लेकिन पता नहीं अभी ख़त्म होने वाला है, राइट? हाँ, एंड आई गेस आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट, एंड हूएवर विंस उनको और यू नो एनकरेजमेंट देना है, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है टी वी वाला बिग बॉस में, वो सफ़र हमको पता है. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं देख पा रहा हूँ इतना इस बार, लेकिन मुझे जो खबरें मिलती है अपनी वाइफ से तो मैं उसी पे अमल करता हूँ. तो जो उनको पसंद आता है वो मैं पसंद कर लेता हूँ, जिनको नहीं पसंद आता है वो मैं नहीं करता. खुश रहने का ये एक और तरीका है. मिठाई आप खाएंगे एक तो खुश रहने के लिए, और दूसरा आप बीवी की बातें सारी मान लेती है, बस यू बी हैप्पी. थैंक यू वेरी मच. सर थोड़ा इधर तो शिफ्ट कितना का पार्टी है बेटा शिफ्ट है मुझे तो सॉरी मुझे हां और थोड़ा पार्टी बटन पास कर रहा हूं आप पकड़े आप आओगे कैमरे बैठ जाओ इधर आ जाओ मीटर से इधर आ जाओ ना चल जाए मेरा मीठे से इतना नाता नहीं है, बट मेरा इनके मीठे के साथ बहुत नाता है, क्योंकि इनका मीठा वैसा मीठा नहीं है, बहुत ही हेल्दी और प्यारा सा मीठा है, जो खा के अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी है और एट द सेम टाइम हेल्दी भी है. तो वो चीज़ मैं ज़रूर पसंद करता हूँ, इसलिए राकेश जी के साथ यहाँ पर जुड़े. तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा मीठा है मीठे का. एक्चुअली आपने पूछा मीठे से क्या नाता है, तो हम दोनों का काफ़ी ऑपोजिट है. गौतम को एक्चुअली मीठा बहुत पसंद है, ही लव्स इट, बट वो खाता नहीं है बिकॉज ऑफ हिज डाइट. एंड मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, पर मैंने आजकल बहुत खाना शुरू कर दिया है. सो एक बहुत ही स्ट्रेंज सा कनेक्शन है, एंड स्पेशली जब ये रेडिसन ने यू नो हमें पहले थोड़ी सी मिठाइयाँ भेजी भी थी टू ट्राई दम आउट, आई थिंक
वी जस्ट लव्ड इट एंड वी थॉट कि इतना सही इनिशिएटिव है ये यू नो टू और बहुत ही हेल्दी स्वीट्स हैं यू नो द स्वीट इज़ वेरी बैलेंस्ड एंड मॉडरेट सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट विच वी लव्ड कि यू नो किसी को अगर बहुत मीठा पसंद भी नहीं है किसी को कोई डाइट कॉन्शियस है सो दिस इज़ लाइक द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड दे हैव सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम लाइक यू कैन सी एंड यू नो 60 एट दिस प्ले सो एंड दे ऑल्सो कस्टमाइज स्टफ यू नो फॉर एवरी स्पेसिफिक ओकेजन जिसके लिए भी आपको चाहिए हो एंड लाइक वी सेड कि देयर विल बी डिलीवरी एट योर डोर स्टेप सो आई थिंक इट्स एन ऑल एंड ऑल इनिशिएटिव यू नो एंड मीठा है तो इट्स अ वेरी स्वीट इनिशिएटिव आई लाइक टू से एंड ऑल क्रेडिट गोज टू शेफ बिकॉज ही इज प्लान दिस ऑन अ पैन इंडिया बेसिस सो आई थिंक ही इज द वन अभी करके हटे हमने अभी सारा अभी मोती चूर लड्डू ट्राई किया वी ट्राई द क्रैनबेरी वंस आल्सो ड्राई फ्रूट का गुड़ का बना हुआ चीज थी आप भी खाइए बहुत अच्छा लगेगा और मगर अच्छा क्या है कि पैन इंडिया जैसे इन्होंने बोला और इनकी जो पैकेजिंग है ना वो एक्सेलेंट है जैसे हम लोग क्या देखते हैं ज़्यादातर मीठा किसी को गिफ्ट नहीं करता कहते हैं यार किसी का फंक्शन हुआ तो एक मीठे के डिब्बे मंगा लो ये आप गिफ्ट की तरह आप सबको दे सकते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी क्योंकि इनके बॉक्सेज इतने सुंदर हैं और इतने क्लासी हैं कि आप उनको एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं सो और एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी रैडिसन के बारे में बोलना चाहूँगा कि हम हर होटल्स में फाइव स्टार्स में हम देखते हैं कि कन्फेक्शनरीज हैं शॉप्स हैं अलग अलग मिठाई की दुकान कहीं नहीं देखी हमने और हमारी जो इंडियन हमारे भारतीय लोग हैं उनको मीठा और मिठाई से सबसे ज़्यादा देसी पहली बार आए एक्चुअली फुल क्रेडिट टू देम सो मोदक के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमने गणपति उत्सव के दिन इसको लॉन्च किया शुरू किया था यहाँ पे प्रोडक्शन को तो ये बड़ा सा मोदक है पहले गौतम को पकड़ा दूँ मैं थैंक यू और ये मोदक जो है ये क्योंकि गणपति जी को बहुत पसंद है तो हमने ये तब डेवलप किया था हालांकि इसकी 6 वैरायटी हमारे पास हैं कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है सो आई विल होल्ड इट फॉर यू एंड मीठा जैसे हमने बताया कि हर ओकेजन के लिए हम मीठा बनाते हैं हर त्यौहार के लिए आपकी कोई भी खुशी हो उसमें हम शामिल होना चाहते हैं इसीलिए मीठा कंसेप्चुलाइज करेंगे आपके ओकेजन के हिसाब से और पैकेजिंग ऐसी है कि आपने एक बार ये मीठा बॉक्स पैक करके कुरियर भी किया कहीं पे तो वहाँ पे भी इंटैक्ट पहुँचेगी इतनी अच्छी पैकिंग है जैसे कि आप देखेंगे अंदर एक ट्रे है उसके अंदर ट्रे में ऊपर लिड है तो मिठाई हिल नहीं पाएगी वो मिठाई इंटैक्ट पहुँचेगी आपने जहाँ डिलीवर करवानी है सो दैट इज़ द वाउ फैक्टर डब्बा खोलते हुए ऐसे लगे जैसे आपने खुद दुकान से लाए तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द पैकेजिंग ऑल्सो बस एक अभी जैसे हमने एक वीडियो किया था अभी एक और वीडियो आने वाला है वी विल बी शूटिंग फॉर वन मोर वीडियो दैट विल बी शॉट इन उदयपुर एंड अच्छी बात क्या है इन अ डिफरेंट लैंग्वेज सो वो एक उसका यूनिक पार्ट है कि पहली बार हम कुछ एक अलग लैंग्वेज में काम करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है तो ये अभी शूट करने वाले हैं हफ्ते के अंदर और अगले महीने फर्स्ट वीक में मोस्टली बाहर आ जाए सो ये इमीजिएट काम है अरे अभी तो आएगा ना शूट करेंगे तो आएगा अभी पहले कैसे पहले वाला अच्छा रिसीव पहले वाला तो इट वाज वेल रिसीव्ड इट वाज वेल रिसीव्ड अच्छा जिसने थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी यू नो दिस इज अ न्यू लॉन्च एंड आई थिंक यू ऑल मस्ट ट्राई इट विद द फेस्टिव सीजन कमिंग इन दिस इज रैडिसन्स इनिशिएटिव इट्स कॉल्ड मीठा सो प्लीज यू नो मीठा विद राकेश जी यस सो प्लीज